आपका अपना बिजनेस ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो है बकरी मंडी से, और जो कि मैं राजा बाजार के बकरी मंडी में हूँ। देखिए कितनी बड़ी मंडी आज लगी हुई है। आज मंगलवार का दिन है और छठ के जस्ट बाद वाला मंगल है ये। तो मैं इसको पूरा कवर करूँगा, आपको दिखाऊँगा, रेट दिखाऊँगा। ऐसे इसमें मैक्सिमम कटिंग के लिए ही अब जानवर आते हैं, लेकिन कोई कोई फार्मिंग का होगा तो मैं क्लियर कर दूँगा, आपको रेट बता दूँगा। चलिए बने रहिए लास्ट तक, और पूरा मैं रेट मार्केट का बताता हूँ और पूरा आपको रेट देता हूँ। देखिए किस तरीके से एक लॉट, पूरा लॉट का लॉट, ढेर सारा लॉट आया हुआ है, आपको दूर से ही हर तरफ दिख रहा होगा। देखिए इस तरीके से, चलिए मैं पूरा घुमाने की आपको कोशिश करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए गांव के कुछ फार्मर लेकर के आए हुए हैं। इन लोगों से बकरी लेना बेहतर होता है, ये जो आप ब्लैक एंड वाइट में देख रहे हैं, तो ये सब बकरी बेहतर होता है। ये फार्मर है, मतलब अपना घर से पालने के लिए एक पीस लेकर के आए हैं बेचने के लिए, और एक पीस है। एक घर का है आपका, घर का है कि खरीद करके लाए? कितना दाम रखे हुए हैं? हाँ कितना दाम रखे हुए हैं? न हाँ 4500 का, ठीक है। ये 4500 का बकरी है, और बच्चा दिए कि नहीं? एक बार भी बच्चा दिए कि नहीं? अभी एक बार बच्चा ये दे चुके हैं। देखिए इस तरीके के बकरी, जो सिंगल पीस लेके खड़े हैं, ये लोग का खस्सी बकरी ठीक होता है। जैसे वो अपना एक बोतू भी है, अंडुल है, तो इस तरीके से जो सिंगल पीस लेकर के आए हुए हैं, दो पीस एक पीस, उनका बकरी फार्मिंग के लिए सही होता है, आप आकर के ले सकते हैं। चलिए मैं आपको और आगे दिखाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। उसी तरीके से एक बड़ा ही प्यारा यहाँ पर एक बच्चा है, देखिए किस तरीके से यहाँ खूबसूरत खूबसूरत बच्चा है। मैं रेट मालूम करने की कोशिश करूँगा, और एक बच्चा यहाँ पे भी है, बड़ा ही खूबसूरत है। तो आज की मंडी में मतलब मंगलवार को अच्छा बाज़ार लगती है और अच्छी बकरी खस्सी मिलती है, जो कि आप देख रहे हैं। तो रेट की बात करूँ इसका, तो 8000 रुपया डिमांड किया गया है। तो देखिए अब लोग कम बेस कर करके इसका 6500 में ओके करवा लेंगे, लेकिन इसमें आपको दोनों चीज़ का रेट रहेगा, फार्मिंग का भी, बच्चे एक एक पीस जो रहेगा वो भी दिखाऊंगा, पूरा मार्केट का भी रेट रखूंगा। जैसे कि ये जो आप लॉट देख रहे हैं, तो 6400 रुपये का लॉट दिखाया जा रहा है। देखिए रेट कम बेस हो रहा है, 5000 की बात चल रही है, इस तरीके से लॉट का रेट रहता है। देखिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो देखिए इस तरीके से रेट कम किया जाता है। 1500 रुपये बेजाबते घटा दिया गया, क्योंकि वो कटिंग वाले हैं, तो उनको बेहतर रेट मालूम है कि कहाँ क्या है क्या नहीं। और भी देखिए इस तरीके से बहुत सारा बाज़ार में बड़े बड़े खस्सी बकरी आए हुए हैं। देखिए एक खस्सी यहाँ भी है, बड़ा शानदार है। देखिए इसकी गर्दन पे का ये डिज़ाइन, तो इस तरीके से भी आपको ये सब पालने के लिए ठीक है, खस्सी पालने के लिए होता है। देखिए एक यहाँ खस्सी है, बड़ा ही खूबसूरत खस्सी है, ब्लैक एंड वाइट में, जो कि बड़ा खूबसूरत बच्चा है, और इसका दाम 6000 रुपया बताया गया है। इस तरीके से आपको जगह जगह पे कुछ 6000, कुछ ये अलग अलग रेट आपको तोड़ना पड़ेगा, रेट उस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। और भी है इस तरीके से, यहाँ पे एक फार्मिंग के लिए अंडुल भी है, बड़ा बेहतर है, और मैं दाम मालूम करने की कोशिश करूँगा। तो अंडुल का दाम 11500 रुपये बताया गया है, और उसी तरीके से इसका भी दाम 10000 रुपया बताया गया है। चलिए मैं और आगे रेट देखता हूँ, बताता हूँ। अंडुल है बहुत सारा अगल बगल, मैं पूरा मार्केट आपको, एक और भी खूबसूरत खस्सी है बकरी, वो लाल कलर का जो दिख रहा है, चलिए मैं वहाँ भी देखता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये खस्सी है, और कलर जो भी कहिए, तो इस तरीके से यहाँ भी खस्सी मिल जाएगा। दाम लोग बताना नहीं चाहते हैं, मोबाइल देख करके थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो दाम के लिए माइंड मत कीजिएगा। अप्रोक्स इसका 15000 से कम ये मिलने नहीं जा रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा दाम मालूम करने का। तो इसका दाम 23000 रुपया रखा गया है, जो कि आप देख रहे हैं 23000 रुपये का ये कुर्बानी के लिए। देखिए तो देखिए इस तरीके से कुर्बानी के टाइम अगर ये रहेगा, तो बता रहे हैं कि 17000 रुपया रहेगा, 23000 रुपये इसका दाम लगाया गया, लेकिन 18000 तक ही आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे एक अजीब मिला हुआ है बड़बड़ी मिक्स, देखिए यहाँ पर आपको बड़बड़ियों का लॉट मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से बड़बड़ी का एक लॉट है जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए देखिए एक बड़बड़ी का पूरा लॉट है, तो देखिए इस तरीके से एक पूरा बड़बड़ी का लॉट है। अगर आप बड़बड़ी लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको पूरा बड़बड़ी का एक लॉट मिल जाएगा। लेकिन देखिए दाम तो इसका जो दाम देख रही है 3600 रुपये लगाया जा रहा है। और भी मैं रेट मालूम करने की कोशिश करूँगा, और ये सब मैं पहले बता दूँ आपको कि फार्मिंग के लिए बकरी नहीं है ये जो मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे जो होगा स्पेशल तो मैं बता दूंगा आपको कि फार्मिंग के लिए है या नहीं है, लेकिन देखिए 3600। उसी तरीके से लॉट की बात करूँ, तो चलिए मैं लॉट देखता हूँ आगे। ये पूरा जो लॉट आप देख रहे हैं, तो इसमें एक भी खस्सी नहीं है, उनके द्वारा बताया जा रहा है। और खस्सी होगा तो बात की बात है कहीं हमें दिख, लेकिन सब टोटल बकरियाँ ही दिख रही हैं, और दिख रही हैं बकरी, और रेट अलग अलग हो सकता है, किसी का 2500, किसी का 3000, क्योंकि बकरी का रेट उतना नहीं होता। और
चार आठ तो दस की दस है टोटल, लेकिन चलिए टोटल का रेट या लॉट का रेट भी मालूम करने की कोशिश करूँगा। तो 3400 की बात चल रही है, मतलब 3400 का ये लॉट की बात चल रही है। तो देखिए तो 3400 की बात करो तो सिर्फ एक बकरी का रेट बताया जा रहा है, और पूरे की बात करो तो 2500 का लॉट के हिसाब से दाम लग रहा है, लेकिन अगला का 3400 का डिमांड है। तो इस तरीके से आप मार्केट में आकर के आप रेट ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो रेट कम होने की बात नहीं है, 3350 पे बात आके अटक गई, 3400 से 3350। तो चलिए देखते हैं रेट तो आप कम बेसी 3000 तक जो बढ़िया होगा वो तोड़ करके लेकर के चला जाएगा, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो बाज़ार में रेट थोड़ा सा टाइट रहता है, फिर जैसे जैसे दिन ढलेगा तो ये कम में बेच के चले जाएंगे। चलिए और मैं आपको और भी मंडी दिखाता हूँ आगे। बरवड़ी का ब्रीडर है, ओरिजिनल ब्रीडर जो कि आप देख रहे, देखिए बरवड़ी का ओरिजिनल तो नहीं है क्योंकि इसके कान तो छोटी है लेकिन पीछे बाल है, तो इसीलिए ओरिजिनल नहीं है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर खस्सी बकरियाँ आते हैं गाड़ी से, इस तरीके से देखिए दूर से ही आपको गाड़ी बहुत सारा दिख रहा होगा। और भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ऐसे इसका रेट मालूम करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो आप अंडुल देख रहे हैं ये 18000 का दाम रखा गया, जो फार्मर है उनके लिए बेस्ट है, अपना फार्मिंग के लिए ले सकते हैं, या फिर जिनको बलि देना है तो वो तो छोटा बड़ा किसी भी उनका कोई उम्र नहीं होता, अपना शुद्ध है, मतलब कहीं से कटा छटा हुआ नहीं है क्योंकि देखने में लग रहा है, तो आप आ करके ले सकते हैं। और जो फार्मर होते हैं तो उनको लगता है कि बेस्ट एग्रेसिव फार्मर ब्रीडर नहीं है तो अपना बेच देते हैं, फिर कटिंग के लिए वो आ जाता है। चलिए और दिखाता हूँ मैं आगे आपको, इस तरीके से मंडी तो आज बड़ी लगी हुई है, मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ भी एक लॉट है जो कि दो खस्सियों का लॉट, एक देखिए 16000 की बात चलिए और 18000 की बात चलिए, देखिए कितने एक खस्सी का लॉट यहाँ भी है जिसका दाम कि दो का, यानी आप दो लेते हैं तो आपको 18000 रुपये पड़ेगा, 16000 दाम तोड़ा जा रहा था लेकिन दाम ओके हुआ नहीं। इस तरीके से यहाँ पर आपको कम बेस यहाँ पर मिल जाएगा, सब दता हुआ है, अगर आप कटिंग के लिए या पार्टी के लिए शादी के लिए हकीका के लिए ले सकते हैं तो सबके लिए है ये बढ़िया खस्सी है, कुछ एक सिर्फ वो नहीं है, बाकी सब इसमें दता हुआ खूबसूरत है। आप कुर्बानी के लिए ले सकते हैं, अभी ज़्यादा इन से दो दांत या तीन दांत का होगा, चार दांत का होगा तो दांत दिखाना भी पॉसिबल नहीं क्योंकि लेने से कितना मैं दिखाऊँगा। चलिए और मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। ऐसे रेट की बात बताओ तो मतलब ये वाइट और ये दोनों का दाम 18000 रुपया बताया जा रहा था, और पूरे लॉट की बात करो तो 85 मतलब 8500 रुपए के हिसाब से ये पूरा लॉट है, अगर आप लेना चाहें तो 3, 6, 9, 3, 12 पीस है 8500 के हिसाब से है, उसमें अपना कम बेस हो सकता है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी है, कोई 5000, कोई 4000, कोई 4500, उसमें आपका सब मिक्स रहेगा, सिर्फ खस्सी नहीं रहेगी, सिर्फ बकरी नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पर कुछ बकरियाँ हैं बड़ी बड़ी, मैं इसका पर्सनल वीडियो अलग से बनाऊँगा आपको बता दूँ। चलिए देखिए मैं और आगे आपको दिखाता हूँ, और भी खस्सियों का रेट है, बकरियों का रेट है, और यहाँ पर आपको जो है कि डेंगू के लिए दूध ही मिल जाएगा। देखिए दूध किस तरीके से गाड़ा जाता है यहाँ, और दूध आपको निकाला जाता है, देखिए दूध इस तरीके से निकाल करके आपको दिया जाएगा, और आपको अच्छा फार्मिंग के लिए अच्छा मतलब दूध मिल जाएगा आपको डेंगू के लिए। देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी खस्सियाँ भी हैं जो अलग से साइड रखा हुआ, ये होटल में जाएगा या फिर शादी पार्टी के लिए जाएगा। तो देखिए सब खस्सी है तीन, उधर बकरी है, लेकिन और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। बकरी बड़ा ही शानदार है यहाँ, हालांकि ये फार्मिंग के लिए नहीं है, लेकिन देखिए इसकी सिंगों की बनावट, और इस तरह का बकरियाँ नमूना नमूना बकरियाँ बाज़ार में मिलती रहती है, देखिए किस तरीके से इसकी बनावट है, बस दिखाना चाहा। जिनको इस तरह खस्सी सिंग के लिए बकरी चाहिए वो ले सकते हैं, फार्मिंग के लिए नहीं है, सिर्फ कटिंग के लिए है। और भी बकरियों का लॉट बहुत है, खस्सी का लॉट बहुत है, देखिए खूबसूरत बकरी, देखिए इस तरीके से ये सब मरकिटाहा है, मतलब कि कटिंग के लिए है, और भी लॉट है, आप अपना आ करके मालूम कर सकते हैं। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं बाज़ार दिखाना चाह रहा हूँ कि आज की बाज़ार कितनी बड़ी है। मंगलवार की बाज़ार है, पटना का राजा बाज़ार है, पटना से 8 किलोमीटर दूर है। चलिए और देखते हैं आगे और रेट जानने की कोशिश करते हैं, बाज़ार कितनी बड़ी है, गाड़ियाँ किस तरीके से आकर के लगी रहती हैं। तो ये जो आप लॉट देख रहे हैं ये 5000 का लॉट है, इस तरीके से आप पूरा लॉट मिलेगा, मतलब होटल में जिनके लिए जो कटिंग करते हैं तो होटल में जाता है तो आप अपना ले सकते हैं, या फिर जिनके घर में डेंगू है तो आप 5000 के हिसाब से एक बकरी लेकर के आप डेंगू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध आपको मिल जाएगा 3 महीना 4 महीना आराम से मिल जाएगा, और डेंगू में तो 15 दिन भी दूध बहुत है। उसी तरीके से ये भी एक लॉट है 6000 है, लेकिन 5000 में ये 5500 में ओके हुआ है, बात नहीं बनी है। हाँ लेकिन आप दूध के लिए ले सकते हैं, जिनके घर में डेंगू है उसके लिए, फार्मिंग के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, दूध के लिए आप ले सकते हैं इस तरह का बकरी, कोई भी एक बड़ा बकरी देख करके ले लो, उसके बाद फिर उसे आप कटिंग के लिए आप बेच सकते हैं। 15 दिन में तो दूध अच्छा खासा अगर आप रखिएगा तो आपको आराम से डेली का पावर दूध आपको मिल जाएगा, और डेंगू में बहुत फ़ायदा होगा। तो 5000 रुपये डेंगू के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप डेंगू के लिए लेकर के आप बच सकते हैं या अपने फैमिली को बचा सकते हैं, बकरी का दूध के लेकर के दर दर भटकना नहीं पड़ेगा।